सहभागी देशों के मेरे साथी मंत्रीगण, विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, उपस्थित एम्बेसेडर्स तथा हाई कमिश्नर्स, सभी डेलीगेट्स और अधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं आप सभी का इस मंत्री स्तरीय कॉन्फ्रेंस में स्वागत करता हूं। इस मंच से आप सभी के साथ संवाद करना, आपके साथ मेरे अनुभव, मेरे विचारों को साझा करना मेरे लिए आनंद की बात है। साथ ही मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती टेररिज्म पर आप सभी के विचार सुनने के लिए भी मैं उत्सुक हूं। मुझे आशा है कि दो दिन की इस चर्चा में हम एक वर्केबल तथा प्रैक्टिकल रोड मैप तय करने में सफल होंगे और टेररिज्म के खिलाफ की लड़ाई में एक निर्णायक मकाम पर पहुंचेंगे। टेररिज्म निसंदेह वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए सबसे गंभीर खतरा है, लेकिन मेरा मानना है कि टेररिज्म का वित्त पोषण टेररिज्म से कहीं अधिक खतरनाक है, क्योंकि टेररिज्म के मीन्स एंड मेथड को इसी फंड से पोषित किया जाता है और इसके साथ साथ दुनिया के सभी देशों के अर्थतंत्र को कमजोर करने का भी काम टेररिज्म के वित्त पोषण के माध्यम से होता है। भारत टेररिज्म के सभी रूपों और प्रकारों की घोर निंदा करता है। हमारा स्पष्ट मानना है कि निर्दोष लोगों की जान लेने जैसे कृत्य को उचित ठहराने का कोई भी कारण स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं दुनिया भर के टेररिस्ट हमलों के पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। हमें इस बुराई से कभी समझौता नहीं करना चाहिए। भारत कई दशकों से टेररिज्म का शिकार रहा है, जो सीमा पार से प्रायोजित है। भारतीय सुरक्षा बलों और आम नागरिकों को निरंतर और समन्वयित तरीके से अत्यंत गंभीर टेररिस्ट हिंसा की घटनाओं से जूझना पड़ा है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक कलेक्टिव अप्रोच है कि टेररिज्म के सभी रूपों की निंदा की जानी चाहिए, लेकिन तकनीकी क्रांति से टेररिज्म के रूप और प्रकार निरंतर बदल रहे हैं, ये हमारे लिए एक चुनौती है। आज टेररिस्ट या टेररिस्ट ग्रुप आधुनिक वेपन तथा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और साइबर तथा फाइनेंशियल वर्ल्ड को अच्छी तरह से समझते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। टेररिज्म का डायनामाइट से मेटावर्स और AK-47 से वर्चुअल एसेट्स तक का ये परिवर्तन दुनिया के देशों के लिए निश्चित ही चिंता का कारण है और हम सभी ने साथ में मिलकर इसके खिलाफ साझी रणनीति तैयार करनी होगी। हम सभी मानते हैं कि टेररिज्म का खतरा किसी धर्म, राष्ट्रीयता या किसी समूह से जुड़ा नहीं हो सकता और नहीं होना चाहिए। टेररिज्म का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा ढांचे तथा कानूनी और वित्त पोषण की व्यवस्था को मजबूत करने में हमने काफी प्रगति की है, लेकिन इसके बावजूद टेररिस्ट लगातार हिंसा को अंजाम देने, युवाओं को रेडिकलाइज करने तथा वित्त संसाधन जुटाने के नए तरीके खोज रहे हैं। टेररिस्ट अपनी पहचान छिपाने के लिए और रेडिकल मटेरियल को फैलाने के लिए डार्क नेट का उपयोग कर रहे हैं। साथ ही क्रिप्टो करेंसी जैसे वर्चुअल एसेट्स का भी उपयोग बढ़ रहा है। हमें डार्क नेट पर चलने वाली इन गतिविधियों के पैटर्न को एनालिसिस कर समझना होगा और उसके उपाय भी ढूंढने होंगे। दुर्भाग्य से कुछ देश ऐसे भी हैं जो टेररिज्म से लड़ने के हमारे सामूहिक संकल्प को कमजोर करना या नष्ट करना चाहते हैं। हमने कई बार देखा है कि कुछ देश आतंकवादियों का बचाव करते हैं और उन्हें पनाह भी देते हैं। किसी आतंकवादी को संरक्षण देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है,
ये हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है कि ऐसे तत्व और ऐसे देश अपने इरादों में कभी सफल न हो सके। अगस्त 21 के बाद दक्षिण एशिया क्षेत्र में स्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। सत्ता परिवर्तन तथा अलकायदा और आईसिस का बढ़ता प्रभाव रीजनल सिक्योरिटी के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती के रूप में उभर कर सामने आया है। इन नए समीकरणों ने टेरर फाइनेंसिंग की समस्या को और अधिक गंभीर बनाया है। 3 दशक पूर्व ऐसे ही एक रेजिम चेंज के गंभीर परिणाम पूरी दुनिया को सहन करने पड़े हैं। 9/11 जैसे भयंकर हमले को हम सभी ने देखा है। इस बैकग्राउंड में पिछले साल दक्षिण एशियाई क्षेत्र में हुए परिवर्तन हम सभी के लिए चिंता का विषय है। अलकायदा के साथ साथ दक्षिण एशिया में लश्करे तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे गुट बेखौफ होकर आज भी आतंक फैलाने का प्रयास में है। हमें कभी भी आतंकवादियों के पनाहगाहों या उनके संसाधनों की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। ऐसे तत्वों को स्पॉन्सर करने वाले तथा इनको सपोर्ट करने वाले डबल स्पीक को भी हमने उजागर करना पड़ेगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि यह सम्मेलन सहभागी देश और संगठन इस क्षेत्र की टेररिस्ट चुनौतियों के बारे में सिलेक्टिव या आत्मसंतुष्ट दृष्टिकोण न रखे। टेररिज्म के वित्त पोषण की समस्या व्यापक हो चुकी है। पिछले कुछ वर्ष में भारत ने टेररिज्म के वित्त पोषण पर नकेल कसने में सफलता हासिल की है। टेररिज्म के वित्त पोषण के खिलाफ भारत की रणनीति इन 6 स्तंभों पर आधारित है। पहला, लेजिस्लेटिव और टेक्नोलॉजिकल फ्रेमवर्क को मजबूत करना। दूसरा, व्यापक मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क का निर्माण करना। तीसरा, सटीक इंटेलिजेंस साझा करने का तंत्र पुख्ता करना। इन्वेस्टिगेशन एवं पुलिस ऑपरेशन को मजबूत करना। चौथा, संपत्ति की जब्ती का प्रावधान और उसका उपयोग करना। पांचवा, कानूनी संस्थाओं और इन तकनीकों के दुरुपयोग को रोकना। और छठा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं समन्वय स्थापित करके इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लड़ाई को मजबूती देना। भारत ने इस दिशा में अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में संशोधन करने, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA को मजबूत बनाने और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को नई दिशा देने के साथ टेररिज्म और उसके वित्त पोषण के खिलाफ की लड़ाई को सुदृढ़ किया है। यह हमारे निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है कि भारत में टेररिस्ट घटनाओं में अत्यधिक कमी हुई है। इसके परिणाम स्वरूप टेररिज्म के कारण होने वाले आर्थिक नुकसान में भी काफी कमी हुई है। भारत का मानना है कि टेररिज्म से निपटने का सबसे प्रभावी तरीका इंटरनेशनल कोऑपरेशन और राष्ट्रों के बीच रियल टाइम तथा ट्रांसपेरेंट सहयोग ही है। प्रत्यार्पण, अभियोजन, इंटेलिजेंस शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग तथा CFT जैसे क्षेत्रों में देशों के बीच में सहयोग टेररिज्म के मुकाबला करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह देखते हुए कि टेररिस्ट और टेररिस्ट समूह आसानी से सीमाओं के पार संसाधनों का समन्वय और संयोजन करते हैं, हमारा आपसी सहयोग और महत्वपूर्ण हो जाता है। वैश्विक स्तर पर नार्कोटिक्स के अवैध व्यापार के उभरते ट्रेंड्स और नार्को टेरर जैसी चुनौतियों से टेरर फाइनेंसिंग को एक नया आयाम प्राप्त हुआ है। इसको देखते हुए सभी राष्ट्रों के बीच इस विषय पर घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे बहुपक्षीय संस्थाओं और FATF जैसे आम सहमति प्लेटफॉर्म की उपस्थिति CFT के क्षेत्र में टेररिज्म को रोकने के संदर्भ में सबसे अधिक प्रभावी हो सकती है। FATF मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकियों के वित्त पोषण को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए वैश्विक मानक स्थापित करने और क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वर्चुअल एसेट्स के रूप में
एक नई चुनौती हमारे सामने है, वर्चुअल एसेट के नए तरीकों का उपयोग आतंकवादियों द्वारा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए किया जा रहा है। वर्चुअल एसेट्स माध्यमों फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तथा डार्क नेट के उपयोग पर नकेल कसने के लिए मजबूत और कारगर ऑपरेशनल सिस्टम की दिशा में हम एक रूपता से काम करें या आज की मांग है। यूनाइटेड नेशंस, आईएमएफ, इंटरपोल और अन्य हितधारकों जैसे दुनिया भर की कानून प्रवर्तन एजेंसियां, फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटर और रेगुलेटर इस दिशा में अधिक सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। हमें इन चुनौतियों को गहराई से समझना होगा और वैश्विक स्तर पर आतंक के वित्त पोषण के लिए नई तकनीकों को रोकने का प्रयास करना होगा। जैसे प्रयास हाल ही में नई दिल्ली में संपन्न इंटरपोल की आम सभा में किया गया था। भारत सूचनाओं का आदान प्रदान, प्रभावी सीमा नियंत्रण के लिए क्षमता निर्माण, आधुनिक तकनीकों के दुरुपयोग को रोकने और वित्तीय प्रवाह की निगरानी और रोकथाम तथा जांच और न्यायिक प्रक्रियाओं में सहयोग करके टेररिज्म का मुकाबला करने के सभी प्रयासों में प्रतिबद्ध है। वैश्विक समुदाय को नो मनी फॉर टेरर के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए टेरर फाइनेंसिंग के मोड, मीडियम और मेथड को समझकर उन पर कड़ा प्रहार करने में वन माइंड वन अप्रोच के सिद्धांत को अपनाना होगा। आज हमने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के संबोधन के साथ इस सम्मेलन की शुरुआत की है। मुझे विश्वास है कि इन दो दिनों में टेरर फाइनेंसिंग के विभिन्न आयामों पर सार गर्भित चर्चा होगी और वर्तमान तथा भविष्य की चुनौतियों के सार्थक समाधान निकलेंगे। भारत सरकार के गृह मंत्री के रूप में मैं आप सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नो मनी फॉर टेरर की उद्देश्य पूर्ति में हमारा कमिटमेंट उतना ही दृढ़ है जितना आपका इस समागम में भाग लेने का उत्साह। मैं इस सेशन में मेरे साथी पैनलिस्ट वक्ताओं को सुनने के लिए काफी उत्सुक हूं। कल समापन सत्र में मैं कुछ और बातों पर विस्तार से अपने विचारों को रखना चाहूंगा। अभी के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सभी को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद।